हेलो। चलो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एल एस्पिरेशन, ठीक है। कितना बड़ा है ये चैप्टर? 1, 2, 3, 4, 6, 7। दो वीडियो में इसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। चैप्टर का टाइटल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इन प्लांट्स तो सिंपल है कि प्लांट्स के रिगार्डिंग कुछ बात हो रही है। सब क्या बात हो रही है? वो ये वाली बात हो रही है। इसका मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? आइडिया रफ लैंग्वेज है, प्रॉपर वो डेफिनेशन आपसे पूछ नहीं रहा अभी, तो आप प्रथम रिजल्ट में पढ़ लेंगे। एक रफ लैंग्वेज में रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? मैं बोल सकता हूँ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सिंपल से जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना। इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं रफ लैंग्वेज में, बोल सकते हैं। हाँ, तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट प्लांट्स कैसे करते हैं? प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस कैसे होती है? सर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट तो अपने आप होती है। हाँ, प्लांट्स तो होती है सर। इसमें क्या होता है? तो ब्रीदिंग इन करते हैं, तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, फिर अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी इसको बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लाइक ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स टू रिक्वायर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट बॉडीली एक्टिविटीज। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टू काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन, द मैनर इन विच द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अकर्स, एज वेल एज अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट वी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। वो कह रहे हैं जिस तरह से बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है अपनी बॉडीली एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, बाकी सारे काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पर कर इस चैप्टर में आप जानोगे दो तरह के रेस्पिरेशन के बारे में, दो तरह के रेस्पिरेशन के बारे में तरीके जिस और तरीकों के बारे में जिससे रेस्पिरेटरी गैस आपस में डिफ्यूज होती हैं, और काफ़ी सारे नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग आप एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ोगे जिसमें डेमोन्स्ट्रेट करेगा जो प्लांट्स में डेमो रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग बोलते हैं कि दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। एरोबिक एक एनएरोबिक है ना, क्या होता है बाद में देखते हैं ये दोनों। तो पहले देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। ऑल लिविंग सेल्स इन अ प्लांट, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। ऑल लिविंग सेल्स इन अ प्लांट एज वेल एज दोज इन एनिमल्स, वो कह रहे हैं सब वो लिविंग सेल्स की बात कर रहे हैं, डेड सेल्स की बात नहीं कर रहा। लिविंग सेल्स जो कि किसी प्लांट में होते हैं या एनिमल्स में होते हैं, रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। तो उन सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो सेल्स काफ़ी सारे काम कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर एमिनो एसिड, बॉडी हमारे एमिनो एसिड है, उस एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाना, मेकिंग स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से स्टार्च बनाना, एब्जॉर्बिंग मिनरल ऑयल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, और लेइंग डाउन सेल्स वॉल्स बाय प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल्स को ले कर देना। ये सारी ऐसी एक्टिविटीज इनको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी वो एक्टिविटीज इनको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कहता है ये एनर्जी कैसे आएगी, तो कहता है दिस एनर्जी इज मेड अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये एनर्जी कैसे मिलती है? सिंपल सा ग्लूकोज के का ब्रेकडाउन कर दो, ग्लूकोज के टुकड़े टुकड़े कर दो, है ना, और एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े कर दो, तो उससे हमें एनर्जी मिल जाती है। तथा केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। अब वो कह रहे हैं ये जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, यानी ग्लूकोज के जो पीसेस जो होते हैं बेसिकली, किससे होता है? बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट है।
अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ग्लूकोज का ये ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो ये सारी एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी तो परमाणु तरह से काम पड़े थे वो सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है। अब वो कह रहे केमिकल रिएक्शन होगा कैसे, तो वो ऐसे एक इक्वेशन बनाकर आपको रिपीट कर दिया गया है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में आपने ऑक्सीजन मिलाया, ग्लूकोज में आपने ऑक्सीजन मिलाया, और जब ये प्रोसेस होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, एनर्जी रिलीज, एनर्जी बन गई, एनर्जी बन गई। ठीक है, अभी तक रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है, अभी आएगा, अभी तक तो नहीं आया, अभी आएगा। देयर आर थ्री इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन दिस इक्वेशन। वो कह रहे हैं इसमें हमें रेस्पिरेशन टाइम में कुछ नहीं बताया, लेकिन इसमें अभी भी रेस्पिरेशन के तीन फीचर्स छुपे हुए हैं। इस इक्वेशन में रेस्पिरेशन के तीन फीचर्स छुपे हुए हैं। पहला, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होना टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर डज नॉट अकर इन अ सिंगल स्टेप। वो कह रहे हैं ये जो दो काम है, ये जो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होता तो ये एक ही बार में नहीं होता, ये सिंगल स्टेप में ऐसे चेंज नहीं होता। ठीक है, बट इन सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप, बट इसमें बहुत सारे एक सीरीज लगी होती है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल स्टेप होते हैं। दिस स्टेप अकर इन टू मेजर फेजेस। वो कह रहे हैं ये जो स्टेप्स होते हैं ये दो फेजेस में होते हैं। बेसिकली पहला नाम दिखा हुआ है कुछ ग्लूकोलिसिस, दूसरा लिखा हुआ है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। कह रहा है तो सबसे पहले जो स्टेप होता है ग्लूकोलिसिस वाला, जो कहाँ पर होता है, इन साइटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म के अंदर एक ग्लूकोलिसिस नाम की एक एक्टिविटी होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। आखिर में मीटोकॉन्ड्रिया, मीटोकॉन्ड्रिया, मीटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और एक्टिविटी होती है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ग्लूकोलिसिस किससे बना हुआ है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मतलब कहता है पाइरूवेट। ठीक है, ये दूसरा मीनिंग उसका लिखा हुआ है जिसे हमें जानना है केवल। और पायरुवेट क्या खाता है, ये ग्लूकोज से पायरुवेट बना, और पायरुवेट जब बनेगा तो पायरुवेट से के बाद एक क्रेब्स साइकिल नाम का स्टेप होता है, वो होगा जिसमें पायरुवेट फर्दर किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और वाटर में चेंज हो जाएगा और एटीपी में चेंज हो जाएगा। एटीपी कुछ पावर नाम से मेरे को ध्यान नहीं, उससे मतलब भी नहीं। ठीक है, आखिर में मिटोकॉन्ड्रिया यानी कि यहाँ पर इसकी समरी क्या है, ऊपर लिखा हुआ था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर जो बनता है ना, एक बार में नहीं बनता, हाँ दो बार में बनता है, दो बार में बनता है। पहले क्या बनता है, पहले बनता है पायरुवेट, पहले बनता है पायरुवेट किससे, ग्लूकोलिसिस, ग्लूकोलिसिस करके। ठीक है, उसके बाद इसी पायरुवेट से बनता है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, दो स्टेप में बनते हैं। ईच ब्रेकडाउन स्टेप इज ड्यू टू अ पर्टिकुलर एंजाइम। वो कह रहा है ये जो ब्रेकडाउन होता है ना, इसमें किसी ना किसी एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये जो है ना, ये इसका यहाँ पे आ गया ना, द एनर्जी लिबरेटेड इन द बिल्डिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट ऑल इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। वो कह रहे हैं जो भी एनर्जी निकलती है यहाँ से, जो भी एनर्जी यहाँ से निकलती है सिचुएशन के बाद, लिबरेट मतलब आजाद होना है, निकलना, तो जो भी एनर्जी निकलती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के बाद इज नॉट ऑल इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो सारे सारे हीट के फॉर्म में नहीं होती, सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकल जाए ना,
बट अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। बट ऐसा काफ़ी सारा पार्ट होता है जो हीट एनर्जी में नहीं बल्कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी मतलब क्या, ये लिखा हुआ है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ये केमिकल सब्सटेंस है, तो एनर्जी सब्सटेंस के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, फिर यह कह रहा है व्हेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज, और जब हम इस एनर्जी को यूज करते हैं द एटीपी इज कन्वर्टेड टू एडीपी, फिर ये एडीपी में चेंज हो जाता है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है ना। एंड अगेन व्हेन मोर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द बिल्ड ऑफ ग्लूकोज एडीपी इज रिकन्वर्टेड टू एटीपी, फिर और एनर्जी बनती रहती है, फिर एनर्जी दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट होता है। सो इट गोज ऑन एंड ऑन, और ये ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। वन मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज 38 मोल ऑफ एटीपी। वो कह रहा है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है बेसिकली। ठीक है, इसको बाद में समझेंगे डायग्राम वो क्या है। परसेंटेज क्या लिखा है, एटीपी द एनर्जी करेंसी, ये जो मैं तो सेकंड में बोल क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। एटीपी द करें द एनर्जी करेंसी भी कहते हैं बेसिकली, कह रहा है एटीपी क्या है, एटीपी को नाम है एनर्जी करेंसी। करेंसी का काम करता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है एनर्जी, करेंसी बेसिकली होती क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कुछ चीज लेनी है तो आप उसको कैसे लेते हो, बाय थ्रू एक्सचेंजिंग विद रुपीज और करेंसी आई कैन से। ठीक है, तो कह रहे सेल को भी अगर काम करना होता है, सेल को भी अगर कोई काम करना होता है तो उसे क्या देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। उसे क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। उसे अगर हमें कोई काम करना है तो मैं देख हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, तो कह रहे हैं एनर्जी। और तो और एनर्जी आती कहाँ से, एटीपी से, एनर्जी आती कहाँ से, ये एटीपी से। तो कह रहे हैं एटीपी एक एनर्जी करेंसी है, ख्याल कर। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड अ लिविंग सेल नीड एनर्जी, क्योंकि एक्टिविटीज एक लिविंग सेल करता है उसको एनर्जी यूज होती है, दिस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि एटीपी के फॉर्म में अवेलेबल होती है, इमीडिएट सोर्स है ना। Hence this chemical compound ATP is described as the energy currency of the cell of food company. ये ध्यान रखना है बस। Living organisms show two types of metabolic activity. सर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करते हैं, पहले एनाबॉलिक दूसरी कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब इसमें आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कैटाबॉलिक के अंदर एनर्जी गिव आउट करते हो। ठीक है, जिसको पहले का बोल सकते ब्रेक इन वो ब्रीद इन, और दूसरा बोल सकते ब्रीद आउट। एक एग्जांपल आया ये, ठीक है सर। तो ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है एग्जैक्ट, तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस, तोड़ने की प्रोसेस है, अलग अलग करने की प्रोसेस है, और सब ऐसे प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग सेल जो करते हैं ना वो ऑक्सीडाइज करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, यानी कि जो क्या करते हैं ग्लूकोज को ऑक्सीजन से डिफ्यूज करते हैं, जो ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को आपस में डिफ्यूज करते हैं है ना, और छोड़ते हैं ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर आते हैं, लेकर आएंगे तो सर वो ग्लूकोज के साथ सर वो मिक्स होगा, डिफ्यूज होगा, और डिफ्यूज होगा तो सनहनी तरीके की गैसें वो ब्रीद आउट करेगा, छोड़ेगा, रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, गिव आउट करना, तो कैटाबॉलिक मतलब रिलीज करना, रिलीज करना फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज है ना फॉर कैरिंग आउट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या, जो कि नीड होती है, जो कि नीडेड एक्टिविटीज होती है इनके लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये कुछ डायग्राम को देखते हैं।
एग्रीगेटर, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एटीपी है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को डिफ्यूज किया गया, अब ब्रेक डाउन किया गया, सी ओ टू अलग निकला, एस टू अलग निकला, एनर्जी अलग निकली। एनर्जी दो पार्ट्स में निकलती है, एक तो हीट एनर्जी एनवायरनमेंट में चली जाती है, और एक एटीपी, अरे एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी से कभी वो एडीपी बनती है, कभी फिर वो अगेन एटीपी बनती है, ऐसा होता रहता है, और फिर ये बाद में अपने काम में यूज हो जाती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में मीनिंग लास्ट टाइम में आपको आके आपको क्लियर हो गया। पूरे पैराग्राफ में एक वेब बेस बनाया गया था पूरे चैप्टर पेज में, कि रेस्पिरेशन से पहले ब्रेक डाउन जरूरी है, ब्रेक डाउन से ये होगा वो होगा, ये तो उसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली बताई गई थी, उसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली वहाँ पर बताई गई थी। रेस्पिरेशन वर्सेज बर्निंग, रेस्पिरेशन वर्सेज बर्निंग, सर रेस्पिरेशन और बर्निंग में क्या डिफरेंस है? सर बर्निंग मतलब यहाँ पे बोलते हैं कंबसन, कंबसन है ना, तो बर्निंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है ये पता करते हैं ज़्यादा ज़्यादा। समटाइम्स रेस्पिरेशन इज कम्पेयर्ड विद बर्निंग, सच एज बर्निंग ऑफ कोल, कभी कभी ना रेस्पिरेशन को बर्निंग से कंपेयर किया जाता है। क्यों? रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जब हम कोल को जलाते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उससे भी वाटर निकलता है, उससे भी थोड़ी सी एनर्जी निकलती है, इसलिए कभी कभी लोग इन दोनों प्रोसेस को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि तो सेम है, बट दोनों सेम नहीं है। तो देखो, बोथ लिबरेट एनर्जी, दोनों के दोनों एनर्जी रिलीज करते हैं, एंड बोथ गिव द एंड प्रोडक्ट, और जो एंड प्रोडक्ट होते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दोनों ही दोनों वो भी रिलीज करते हैं, बट दिस कंपेरिजन इज ओनली सुपरफिशियल। ये सब कंपेरिजन कर रहे हैं ना कि ये तीनों इसके फीचर सेम है, ऊपर ऊपर से आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, अंदर से नहीं, ऊपर ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है, डिटेल में देखोगे तो दोनों डिफरेंस है। अच्छा हाँ, रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर प्रोसेस है, सेलुलर मतलब कि ये लिविंग सेल्स होते हैं ये वो प्रोसेस करते हैं, लेकिन बर्निंग जो है बर्निंग ये नॉन सेलुलर प्रोसेस है, यानी ये कोई सेल नहीं कर रही तो अपने आप होती है, ये तो आप कोयले में आग लगा दो, कोयले में कोयलों के अंदर कोई सेल होता है नहीं, नॉन सेलुलर प्रोसेस है। अकर्स एट बॉडी टेम्परेचर, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में ये एक्टिव होती रहती है, लेकिन जब अगर आप कोयले का करो तो कोयले को जलाना पड़ता है, बॉडी टेम्परेचर की हीट से इसमें काम नहीं होता, तो उसको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, और हाई टेम्परेचर कौन सा है? इग्निशन पॉइंट, इग्निशन होता है जलाने वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स लगते हैं, यहाँ पर सिंगल स्टेप में खेल खत्म हो जाता है, ये एंजाइम के थ्रू होता है, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, और ये साइकोफिजिको केमिकल है। एनर्जी लिबरेट होती है, थोड़ी सी एटीपी के फॉर्म में होती है, वो ज़्यादातर एटीपी के फॉर्म में होती है, थोड़ी सी हीट के फॉर्म में, और यहाँ पर जो होती है हीट और लाइट के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर कोई लाइट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, और यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो ये बेसिक डिफरेंस था, ईजी था, आई थिंक इसमें कुछ समझाना भी नहीं है। एक बार देखो, रीड करो एक बार, वीडियो पॉज करके रीड कर लो अगर आपने नहीं किया था, है ना। आते हैं जरा आगे, द एंटायर प्लांट रेस्पायर्स, पूरा का पूरा प्लांट रेस्पिरेशन करता है। अच्छा, एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट सच इज द लीव्स स्टेम रूट्स इवन द डीपेस्ट सेल, डीपेस्ट सेल प्लेज इन एनी रीजन रेस्पायर। वो कह रहे प्लांट का ना हर एक पार्ट,
चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो स्टेम्स हो, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो कितना भी डीप में जाकर सेल क्यों ना हो, किसी भी जगह पर क्यों ना हो, वो रेस्पायर करते हैं। वो रेस्पायर करते हैं यानी कि वो क्या करते हैं, CO2 एनर्जी वाटर रिलीज करते हैं जब वो ऑक्सीडाइज करते हैं, जब है ना ऑक्सीजन एंड प्लांट्स इज ऑब्टेंड। अब वो कह रहा था यानी सब फिर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो बता रहा है कि हाँ और ऑक्सीजन आते कहाँ से, तो ऑक्सीजन एंड प्लांट्स इज ऑब्टेंड, ऑक्सीजन प्लांट्स इज ऑब्टेंड, ऑक्सीजन प्लांट कैसे ऑब्टेंड की जाती है, फ्रॉम द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर से, कहाँ से, एटमोसफेयर से। ऐसे नहीं आपने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया हो, नहीं तो ऑक्सीजन वो एटमोसफेयर से, तीन तरीके से, फ्रॉम थ्रू थ्री इनलेट्स, है ना, तीन ही रास्ते हैं जहाँ से ऑक्सीजन आ सकती है। लीव्स के अंदर आएगी स्टोमेटा से, स्टेम के अंदर आएगी लेंटिसेल से, और रूट्स के अंदर तो सरफेस से आ जाती है, रूट्स के अंदर तो सरफेस से आ जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे तीनों टर्म्स से डिफाइन करने चाहिए, नहीं किया, ठीक है। तो आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है तीनों टर्म, आपको जनरल इनका नाम में देखना है एक बार, ठीक है, स्टोमेटा लेंटिसेल और जनरल सरफेस, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, प्लगिंग और टिलिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रूव करना है या टिल करना चाहिए, इससे भी छोटी, इससे भी बहुत थोड़ी थोड़ी एयर प्रोड्यूस होती है ना, एयर स्पेसिस अराउंड है ना, सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रोवाइड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द रूट्स। इससे क्या होता है, काफ़ी सारी एयर प्रोड्यूस होती है जिससे सॉइल पार्टिकल को थोड़ी सी जगह मिलती है और वो ऑक्सीजन रूट्स को प्रोवाइड कर देते हैं। वाटर लॉग्ड मतलब क्या, वाटर को जम जाना कहीं पर, वाटर लॉग्ड है, कॉम्पैक्ट सॉइल डज नॉट हैव एयर होता है। अगर किसी जगह पर वाटर जम जाए तो वहाँ पर सॉइल के पास थोड़ी सी भी जगह नहीं होती, थोड़ी सी भी खाली जगह नहीं होती, कॉम्पैक्ट रेस्पिरेशन ऑफ द रूट, जिससे रेस्पिरेशन प्रोसेस में थोड़ा फर्क पड़ता है रूट्स की, है ना। ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम पर क्या होता है, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है द लीव्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं कुछ सम ऑफ विसेज यूज इन रेस्पिरेशन, जो जिसमें थोड़ी सी वो खुद रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, रेस्ट इज रेस्पिरेट आउट, और बाकी की थोड़ी बहुत बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के टाइम पर प्रोड्यूस होती है इन द लीव्स, सब एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये रॉ मटेरियल के लिए फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल काम करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत क्या क्या रहे, अगर मैं ये बताऊँ तो आपको फोटोसिंथेसिस क्या है, खाना बनाना, खाना कैसे बनाते हैं, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इनका मिलना, एक तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए ना खाना बनाने के लिए, एक जो रॉ मटेरियल, एक जो कच्चा सामान आपको चाहिए, रॉ मटेरियल बेसिक आइटम वो आपको चाहिए, तो बेसिक आइटम आपको कहीं से, कहीं और से नहीं चाहिए, कहीं और से नहीं चाहिए। ये जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये खुद आपको लीव्स से मिल जाएंगे, जब लीव से रेस्पायर करेंगे, जब जब लीव से रेस्पायर करेंगे तो रेस्पायर करते हैं खुद ये आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, तब वही कह रहे हैं ये लीव्स खुद अपने रेस्पिरेशन के लिए रॉ मटेरियल जिनको रिक्वायरमेंट होती है, ये खुद वो मटेरियल प्रोड्यूस कर देते हैं। एट नाइट इवन द लीव्स ऑब्टेन एक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर, और रात में जब वो एटमोसफेयर से ऑक्सीजन लेती हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो तब भी वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती रहती हैं। हैंस वी शुड अवॉइड स्लीपिंग इन द डे, इसलिए हमें ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्या होता है स्लीपिंग होना ठीक है एट नाइट, क्योंकि हमें रात में पेट में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो अच्छी है, ऑक्सीजन तो अच्छी है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। हाउएवर स्लीपिंग अंडर अ ट्री ड्यूरिंग हॉट मिड डे इज डेफिनेटली गुड, हाँ, लेकिन आप हॉट मिड डे में अगर आप सोना चाहते हो गर्मी वाले दिनों में पेड़ के नीचे, तो वो डेफिनेटली गुड है, क्यों, क्योंकि इससे आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उस टाइम हो रहा होगा, आप कूलनेस भी मिलेगी क्योंकि ट्रांसपिरेशन भी हो रहा होगा, ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोग्रेस चेक, ओके, राइट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स
अबाउट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन। ओहो, केमिकल इक्वेशन कौन सा सारा लेना पड़ा? अच्छा वाला, ग्लूकोज के पार्ट, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या था, है ना। केमिकल इक्वेशन रेस्पिरेशन पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग, यानी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिखो एक उस केमिकल इक्वेशन के, रेस्पिरेशन के, और क्या का सीन लिखना है, टेबल रिलेटेड टू फॉलोइंग, पर्टेन होता है रिलेट करना, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ ग्लूकोज टू ब्रेक डाउन इनटू CO2 एंड H2O। बोला तो कितने नंबर हैं, टू। कितने नंबर हैं, टू स्टेप। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, टू। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम होता है, हर पर्टिकुलर पर्टिकुलर एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिबरेटेड दो तरीके की होती हैं, एक हीट एनर्जी और एक ATP है। थ्री वेज इन विच रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वर्निंग, तो वो डिफरेंस आपको लिख देना वहाँ से, ठीक है। जैसे एक नॉन सेलुलर सेलुलर होते हैं वो लिख देना, ठीक है। और एक बॉडी टेम्परेचर पर होता है और एक इग्निशन टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। एक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, और आप क्या कहते हैं, एक थ्री स्टेप में होता है, एक सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेम द थ्री इनलेट्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तीन इनलेट्स थे, एक स्टोमेटा था, ठीक है, एक स्टोमेटा था आपका, और क्या थे यहाँ पे देखो, क्या क्या थे, स्टोमेटा, लेंटिक्स, जनरल सरफेस, है ना। ये तीन आपको लिख लेनी है, याद कर लेनी है, या तो मैं अभी कहूँ साथ साथ करते जाना, या तो साथ साथ करते जाना। और मैंने 2 दिन क्लास में नहीं ली, पता नहीं आपने कैसे यूटिलाइज किया। यूटिलाइज उस टाइम को लिख लिख कर याद करो, उस टाइम को मतलब थोड़ा, मतलब मेरा कहना है कि टाइम वेस्ट मत करना, याद करते ज़्यादा बेटर है। यहाँ तक कि ज़रा पहले मैं क्वेश्चन आंसर कराऊँ ज़रा, फिर देखते हैं ज़रा टू कैंसर रेस्पिरेशन को। ग्लूकोलाइसिस क्या है? ग्लूकोलाइसिस ऐसा प्रोसेस, ओहो यहाँ पर मार्किंग नहीं लिखी, चलो फिर तो अभी हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाकी मार्किंग नहीं है, करेंगे। ग्लूकोलाइसिस क्या थी? ग्लूकोज ग्लूकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज व्हिच अकर्स इन मिटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरूवेट दैट अकर्स नेक्स्ट टू क्रेब्स साइकिल। ओके, तो फोर्थ वाला कह रहा है जो कि क्रेब्स साइकिल के बाद होता है, तो क्या ग्लूकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के बाद होता है? ना, ये तो गलत है। पाइरूवेट, जिसके अंदर ग्लूकोज पाइरूवेट में चेंज कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल, के मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको एक सी वाला लिखना चाहिए, ठीक है। इन प्लांट्स अ कॉमन फंक्शन इज परफॉर्मड बाय, कॉमन फंक्शन तो एक पढ़ाई नहीं हुई, कॉमन फंक्शन हमने जहाँ तक मेरा आंसर है, ये कॉमन फंक्शन पता कौन सा करें, रेस्पिरेशन। तो आपको कैसे था कॉमन फंक्शन कहते हैं उसे, एंड मैं पढ़ाता हूँ ईच एंड एवरी पार्ट इन एवरी रीजन, चाहे डीपर सेल ही क्यों ना हो, चाहे स्टोमेटा ही क्यों ना हो, चाहे स्टेम क्यों ना हो, वो सब करते हैं, वो सब करते हैं, क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बेसिकली किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन तीन जगहों से आता है, तो तीन में से दो तो ये और जगह है या नहीं है, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, नहीं तो बाद हम देख लेंगे, ठीक है, इसको माफ कर देना। अगर अलग टॉपिक होता हूँ, एनोरबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली करते हैं, ये तो बाद में पढ़ेंगे, पढ़ानी है। टू डू द प्लांट्स रेस्पायर ऑल द ऑल डे एंड ऑल नाइट और ओनली एट नाइट, आप कौन सा देना, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। नेम द फॉलोइंग, तो देखते हैं सेकंड स्टेप कौन कौन से कर पाओगे। एनर्जी करेंट सबसे है तो इजी, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट्स टू रिलीज एनर्जी। एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज एक्टिव थ्रू आउट लाइफ एनएरोबिकली, भी पढ़ा नहीं है। अ कॉमन फेज नहीं पढ़ा, एरोबिक नहीं पढ़ा। अ केमिकल, अ केमिकल व्हिच रिमूव CO2 फ्रॉम द एयर, अभी नहीं पढ़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मोल ऑफ ग्लूकोज, ये वाला आपका सकता है। नहीं, एरोबिक हाँ पढ़ा था। What happens to the energy liberated in the respiration? ये वाला आपको करना है।
Why is it usually difficult to demonstrate respiration in green plant? अच्छा, एक्सपेंड बाय एक्सपेंशन सेट टू हैव द रिजल्ट ऑन रिवर्स ऑफ लोड. नहीं, फिलिंग वाला अलग से दिया हुआ है जो हमने पढ़ा, उसी में से करते हैं. लेट मी चेक. जो हमने पढ़ा है वहीं से हमें रखना है. फोर्थ वाला भी करना है, फिफ्थ वाला भी करना है. कैन सेल्स एक्सप्रेशन अकरेट एनी ऑर्गेनिज्म एट एनी टाइम एट अ टेंपरेचर ऑफ सेल्सियस अबव लिमिट टेस्ट. बी वाला वन लॉन्ग का फोर्थ वाला शॉर्ट देखना इसको, ठीक है. लॉन्ग आप लिख नहीं पाओगे, लॉन्ग हो सकता है उन्होंने इतना पूछा था, फिर उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया हो. हम इसको शॉर्ट आप इसका लिख सको, वो लिख के मुझे सेंड करना, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक तो इनके बीच में डिफरेंस है ना, इसको कवर करते हैं जरा. टू काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन, टू काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं बेसिकली. पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एन एरोबिक. नॉर्मली नॉर्मली 2 सेकंड होना जरूरी है. मैं ये जरा नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है.